नमस्कार, तलाश टीम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम लोग गढ़वा शहर के रंका मोड़ पर हैं और यहाँ पर जो है केसरवानी वैश्य सभा गढ़वा की ओर से श्री राम मंदिर रामलला प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ काफी भीड़ लगा हुआ है, हर तरफ लोग जो है पूरी तरह से राममय हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ जनप्रतिनिधि हैं जो केसरवानी वैश्य सभा के हैं, हम उनसे बात करने के लिए आएंगे। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर प्रसाद का वितरण हो रहा है और खीर वगैरह का, खीर का वितरण हो रहा है। दिखाइए कि किस तरह से लोगों को खीर दिया जा रहा है। और यहाँ हमारे साथ हैं संतोष केसरी जो नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सबको, देशवासियों को, आपको भी। देखिए, हम लोग का पीढ़ी दर पीढ़ी 500 वर्ष के बाद सुनते थे कि 600 वर्ष 400 वर्ष, लेकिन 500 वर्ष बाद भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुआ और ये सब जो है हम लोग के जीवन काल में हुआ। इससे बड़ी सौभाग्य की बात कुछ हो ही नहीं सकती है। उसी क्रम में आज गढ़वा नगर परिषद क्षेत्रों में केसवानी वैश्य सभा गढ़वा की ओर से प्रसाद का व्यवस्था की गई थी, जिसमें खीर, दूध का खीर, भगवान रामलला को भोग लगाकर, हनुमान जी को भोग लगाकर सभी लोगों के बीच हम लोग प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो ये हैं संतोष केसरी जो नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं। संतोष भैया, एक बात और जानना चाहेंगे कि जैसे गढ़वा का जो माहौल देख रहे हैं, यहाँ तरह तरह की चीजें हो रही हैं, उसमें उसके बारे में आपका क्या कहना है और तरह तरह की इस भंडारा के अलावा? देखिए, गढ़वा गढ़वा शहर में हमको लगता है कि पूरा घर, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सारे लोग एक साथ जुलूस में शामिल है और सब जगह भंडारा की व्यवस्था है। कहीं पूरी खीर बट रहा है, कहीं खीर बन रहा है, कहीं बुनिया पूरी है। जो जो जिस संघ से हुआ, सारे लोग राम भक्त होकर और पूरे गढ़वा शहर को, मैंने आज लगता है कि देखने में लग रहा है कि राम राज आ गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देखिए, एक प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। और अयोध्या में जो उद्घाटन है ये हुआ अभी प्राण प्रतिष्ठा का, उसको लेकर क्या कहिएगा? बहुत बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आइए इधर देखते हैं, अंदर में कुछ और लोग हैं, उनसे पूछते हैं जो प्रसाद वितरण कर रहे हैं। आइए दिनेश जी, इधर आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं जो हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाएं जो है वो प्रसाद का वितरण कर रही हैं, लोगों को दे रही हैं। मैम बताइए कि कैसा लग रहा है गढ़वा में आज? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या कहिएगा? अच्छा, बहुत खुशी की बात है कि राम राज हुआ, हमारा अयोध्या में मंदिर बन गया और ये पूरे संसार में, पूरे शहर में, सब जगह, गांव, शहर, सब जगह उल्लास भरी हुई है राम जी की। चलिए, बहुत अच्छा। आइए दिनेश, इधर दिखाइए जरा, बहुत से लोग यहाँ पर हैं और लोग प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। देखते हैं बात करके लोगों से क्या लग रहा है लोगों को। बच्ची लोग, तू लोग थोड़ा बताएगी कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है राम मंदिर को लेकर के। आइए पूछते हैं इसे। बहुत अच्छा लग रहा है, राम मंदिर बन गया, 500 साल बाद राम जी अपने घर आए, बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। मतलब बोलेंगे जय श्री राम। आप तुम लोग भी? अच्छा, आओ आओ, सबको आओ, सबको आओ। तुम लोग को भी कुछ बोलना है? पूरे देश में खुशी का माहौल दिख रहा है, मतलब दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अयोध्या में आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बच्चियां हैं गढ़वा शहर में प्रसाद खाने के लिए केसरवानी वैश्य सभा की ओर जो आयोजित किया गया है उसमें आई हुई है। और तुम लोग कुछ बोलो कि कैसा लग रहा है? पूरा देश राममय हो चुका है। हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। इस दिन का बहुत बेसब्री से सबको इंतजार था। इस तरह से देख रहे हैं कि गढ़वा में कितना अच्छा माहौल बना हुआ है, लोग कितना अच्छा लग रहा है। और भी कुछ कर रहे हैं क्या? एक दो तीन, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर हमारे तलाश टीवी चैनल का यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।